फ्रेंड्स, केराटिन क्रीम बनाने के लिए मुझे चाहिए 2 ग्लास में हाफ हाफ ग्लास ऑफ वाटर, और ये है मेरा, मैंने नए चावल को यूज़ किया है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टार्च निकलता है, और ये है अलसी। तो अब मैं बताऊंगी आपको कितनी कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है। अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं, अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं कमर तक, तो आप 2 चम्मच चावल ले लीजिए और 2 चम्मच ही अलसी। इसको सोक करने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स देखिए, मैं अपने बालों की कंडीशन आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ही बेकार हो चुके हैं और बिल्कुल रफली बाल हो गए हैं। और अब मैं इस पर जब केराटिन करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे बाल कैसे हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब लगभग 1.5 से 1 घंटा हो चुका है और हमारी ये दोनों चीज़, ये अलसी और ये चावल, अच्छी तरह से फूल गए होंगे। अब मैं 2 पैन में पानी बॉईल करने के लिए रखी हूँ, और अब जब ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे आएगा तो मैं इसमें अलग अलग इन दोनों चीज़ों को धीमी आंच पे बॉईल करूँगी। देखिए फ्रेंड, इसमें चावल बॉईल हो रहा है और इसमें हो रही है हमारी अलसी बॉईल। अलसी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो हमारी बाल के ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, आम तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं वो हम लोग को बताया जाता है कि हम लोग उसको रूट से बिल्कुल टच करके ना लगाएं, आधा इंच छोड़कर लगाएं, मगर ये जो होम रेमेडी है, ये मैं केराटिन क्रीम जो बना रही हूँ इसको आप अपने आप बनाइए और ख़ुद अप्लाई भी कीजिए, और इसको अप्लाई करने में कोई भी सावधानी की ज़रूरत नहीं है। ये रूट से पूरे लगाए जाएंगे और इसको हम अपने, जिन माओं को शौक़ है कि उनके बच्चों के बाल की लेंथ और ग्रोथ अच्छे रहें, बाल बच्चों की अच्छी ग्रोथ है और बाल स्वस्थ रहें, तो वो माएँ इस रेमेडी को अपने बच्चों पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया गया है। देखिए, अब मेरी राइस का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में आ गया है, पकते पकते, और बहुत ही स्टिची हो गया है। देखिए, तो अब मैं इसको गैस को बंद करती हूँ और मैं अब अपनी अलसी की तरफ जाती हूँ, उसका क्या कंडीशन है। देखिए, ये अलसी मेरा बिल्कुल जैली के रूप में बदल गया है, जैसे एक जैली होती है। अब मैं इसका भी गैस बंद करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा स्मूथ सा बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। इसमें सिर्फ अलसी है, 2 चम्मच अलसी और 2 चम्मच चावल जो मैंने भिगो के रखा था, और उसके बाद उस दोनों को बॉईल किया है और मिक्सर में एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 4 चम्मच एलोवेरा जेल।
अब मैंने इसमें डाल दिया है 4 चम्मच एलोवेरा जेल और अब मैं इसको एक बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बना रही हूँ मिक्स करके। फ्रेंड्स देखिए मैंने बालों में कंघी कर ली है और सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हमें ये देखना है कि बाल मेरे बिल्कुल धुले हुए हो, शैम्पू किए हुए हो, और शैम्पू में सिर्फ शैम्पू ही होना चाहिए, कंडीशनर यूज़ नहीं करना है आपको इसको लगाने से पहले। और अब इसको खुद बनाइए, खुद लगाइए। तो मैं इसको अपने फिंगर की सहायता से थोड़ा थोड़ा लेके लगाना शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैंने बहुत अच्छे से अपने दोनों हाथों की सहायता से और मैंने पूरा सब अप्लाई कर लिया है हर तरफ, देखिए हर जगह, और बहुत अच्छे से अप्लाई किया है। तो दोस्तों आप मेरे बाल को देख सकते हैं। अब मैं इसको जो है वो 25 से 30 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दूंगी और ये इतना बेस्ट रिजल्ट देगा। देखिए अगर आपके बाल दोस्तों बिल्कुल कलर वाले हो और कलर या कुछ ऐसा लगाने से अगर बिल्कुल आपके बाल डैमेज हो गए हो तो बोटॉक्स कराते हैं और वो बहुत महंगे पड़ते हैं, कम से कम 8-10 हज़ार रुपये चार्जेस लगता है। ये घर पे हम ये होम रेमेडी कर सकते हैं और इसमें बहुत ही कम खर्चा है, मात्र 50 रुपये का भी सामान नहीं लगता और अच्छे से हमारी ये फर्स्ट स्टेप की होम रेमेडी हुई है। अब अगर हर हफ्ते हम महीने में 3 बार भी कर लें तो आपके बाल का जो कंडीशन होगा अच्छा वो आपको रिजल्ट खुद सामने दिखेगा। मैं अपने बालों को आधे घंटे बाद वॉश करूँगी, आफ्टर दैट मैं इसका रिजल्ट बताऊँगी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ट्राई कीजिए और जिन माओं को ये शौक है कि उनके बच्चे के बाल ग्रोथ अच्छी हो तो वो लोग इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ है और इसका इस्तेमाल करें।